शुभ प्रभात बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? नौकरी की शर्त। कौन सा पढ़ा? नौकरी की शर्त। ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा। तो इसके ही रिगार्डिंग हमने एक एक्सरसाइज करनी है, एक अभ्यास कार्य करना है। क्या है हमारे पास प्रश्न? पाठ में आए नए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ तथा उच्चारण करो। मिलान करना मतलब उनको मिलान करना है, और उच्चारण मतलब उनको बोलना है। ठीक है, जैसे पहला शब्द क्या है? उपहास। उपहास का अर्थ क्या होता है? उपहास का अर्थ हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था पाठ में। उपहास का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, तो उपहास का मतलब मजाक, देखो कहाँ है, खोज दोस्त मजाक। तो ठीक है, उपहास का मतलब क्या हुआ? मजाक। ठीक है, दूसरा शब्द है हमारे पास तलाश। तलाश मतलब कुछ सर्च करना, ढूंढना। ठीक है, यानी खोज करना। तो दूसरे शब्द का अर्थ हमारा क्या हुआ? खोज। और हमें इस शब्द का मिलान भी करना है। ठीक है, तीसरा शब्द है हमारे पास मित्र, यानी फ्रेंड, दोस्त। तो मित्र का शब्द का अर्थ क्या है? दोस्त। हमें अर्थ मिला, तो अब हमें अर्थ के साथ साथ हमें क्या करना है? मिलान। तो मित्र का दोस्त के साथ। अड़ियल। अड़ियल मतलब होता है बहुत ही जिद्दी। ठीक है, बहुत ही जिद्दी, किसी बात पर अड़ जाना, तो उसको कहते हैं बहुत जिद्दी। यानी अड़ियल शब्द का क्या हुआ? बहुत जिद्दी। तो इस तरीके से हमारा इस शब्द का मिलान हुआ, बहुत जिद्दी। आखिरी शब्द है हमारे पास उलझन। उलझन मतलब कोई समस्या, कोई परेशानी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है, तो उलझन में पड़ जाना, तो उलझन का हमारा परेशानी या समस्या। तो इस तरीके से हमने शब्द और शब्द के अर्थ जाने और इनके उचित मिलान भी कर दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बाय।